हाय गाइस, बी टाउन हॉप चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डंकी मूवी के 24 घंटे में ट्रेलर को कितने व्यूज मिले हैं, और दोस्तों टॉप 5 में कौन कौन से ट्रेलर कौन सी मूवी के हैं, और दोस्तों इन ट्रेलर ने किस किस को पीछे छोड़ा वगैरह वगैरह मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर किंग खान शाहरुख खान सर के ट्रू फैन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि दोस्तों ट्रेलर के अंदर एक्शन नहीं था, ना ही दोस्तों इस मूवी के जो ट्रेलर जो प्रीमियर पर लगाया था, जैसे कि दोस्तों सलार, टाइगर थी, ये सभी मूवी का ट्रेलर आने वाला था, तो एक दिन पहले से ही प्रीमियर पर लगा दिया था। सडनली दोस्तों डंकी मूवी का ट्रेलर आ गया था, और दोस्तों फैंस ने जमकर प्यार दिया है, बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों डंकी नो डाउटली ये फिल्म ब्लॉकबास्टर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों ट्रेलर देखने के बाद तो मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि ट्रेलर को ज़्यादा व्यू मिले होते हैं तो वो फिल्म जबरदस्त हिट होती है, ऐसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों इस मूवी का जो डायरेक्शन है और दोस्तों स्टार कास्ट, पर्सनली दोस्तों शाहरुख खान की जो फैंस है वो अब जबरदस्त एक्टिव हो गए हैं, और दोस्तों पिछले कई सालों से शाहरुख खान की कोई फिल्में नहीं चल रही थी, लेकिन दोस्तों अब उन्होंने मन बना लिया है कि वो ऐसी फिल्में करेंगे जो कि दिलों के फैंस के दिलों पर राज करती है, जैसे कि दोस्तों पठान, जवान और दोस्तों अब डंकी। डंकी से फैंस को ऐसा था कि फिल्म के अंदर एक्शन नहीं है तो दोस्तों ये फिल्म कमाल कर पाएगी या नहीं, लेकिन दोस्तों डंकी मूवी के अंदर भी हमें एक्शन देखने को मिलने वाला है जो कि हमने ट्रेलर में देखा है। अब दोस्तों व्यू काउंट के बारे में बात करें तो 24 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा व्यूज हासिल करने वाले पांचवें नंबर पर जो है वो है अर्जुन रेड्डी एनिमल। जी हाँ दोस्तों, एनिमल मूवी का ट्रेलर है जिसने 24 घंटे में यानी कि एक दिन में 50 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 50 मिलियन ऑलमोस्ट 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज हासिल किए हैं, और ये नंबर 5 की पोजीशन पर है। उसके बाद दोस्तों तू झूठी में मक्का, उसका जो है वो 15.96 मिलियन। तीसरी नंबर पर है दोस्तों आदि पुरुष, और दोस्तों वो है 52.22 मिलियन तीसरे नंबर पर। वही दोस्तों दूसरे नंबर पर है हमारे रेबर स्टार प्रभास, जिनका सलार का ट्रेलर आया था 53.75 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, 53.75 मिलियन और दूसरे नंबर पर है। और दोस्तों नंबर 1 की पोजीशन पर है हमारे डंकी यानी कि शाहरुख खान, जिसका ट्रेलर है 57.40 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, और दोस्तों अब ये रूल कर रहा है, नंबर 1 की पोजीशन पर है, और दोस्तों ये ऑर्गेनिक व्यू है, और दोस्तों शाहरुख खान के फैंस ने इस मूवी को दिल से लगा लिया है, यानी दोस्तों कलेक्शन भी जबरदस्त आने वाले हैं। जिस तरह से जवान, पठान और एनिमल के आए थे, कुछ इसी तरह के कलेक्शन हमें देखने को मिलेंगे डंकी मूवी के। और दोस्तों सलार के साथ क्लैश होने के बावजूद भी ये मूवी के कलेक्शन बेहतरीन रहने वाला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।